हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर कॉम्पिटिटिव कोर्स चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, आइलैंड इन इंडिया। ठीक है बच्चा, तो आज हम पढ़ेंगे आइलैंड, मतलब क्या क्या आइलैंड है इंडिया में, तो आज हम पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे थोड़ा इंफॉर्मेशन लक्षद्वीप। ठीक है बच्चा, क्या जानेंगे लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप है ये बच्चा, कोरल लीफ आइलैंड है। कोरल लीफ क्या है, जो प्रबाल समूह से कहते हैं ना, मूंगा जिसे कहते हैं मूंगा, तो वो थोड़ा ग्रुप ऑफ मूंगा को लेकर ये बना है। किसके लक्षद्वीप ने, वो कोरल लीफ किसके मतलब अंतर्गत है, कैसे बनाया है, मेड बाय कोरल लीफ वाज मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है, वाज मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो लक्षद्वीप का कैपिटल आपका काबाराप्ट। ठीक है, काबाराप्ट ऐसे कहते हैं, काबाराप्ट है कि नहीं बच्चा। देखो और एक बात लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे, लक्षद्वीप के अंतर्गत लार्जेस्ट आइलैंड क्या है, यानी लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप तो आपका आ जाता है एंड्रोटे। क्या आता है एंड्रोटे। ठीक है, एक एक पॉइंट करके लिखिए ना बच्चा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन होता है आपका, मिनिकॉय। ठीक है, आपका आ जाता है मिनिकॉय। ये आपका जो अरब सागर में, लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है बच्चा। अरब सागर जो मुंबई गुजरात यहाँ पे बीच वाला में, ठीक है, मुंबई गोवा गुजरात के बीच वाला में लक्षद्वीप का सिचुएटेड है। ठीक है, कोरल लीफ का होता है। नेक्स्ट आ जाता है न्यू, ये तो लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन खत्म। नेक्स्ट आइलैंड के बारे में थोड़ा जानते हैं, न्यू मोर गंगा सागर आइलैंड। ये कहां पे बच्चा, हुगली रिवर में अवस्थित है। कहां पे बच्चा, हुगली रिवर में अवस्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है आपका, मिटा दो थोड़ा स्पेस कम है। नेक्स्ट आ जाता है आपका उड़ीसा का ब्राह्मणी रिवर में आपका आ जाता है ह्वीलर आइलैंड। अगर बच्चा नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा समझ लेना। ठीक है, ह्वीलर आइलैंड थोड़ा मिटाता हूं। जो ह्वीलर आइलैंड है बच्चा, उसका नाम चेंज कर आपका डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पे ह्वीलर आइलैंड है। ठीक है, जो ह्वीलर आइलैंड है उड़ीसा का बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चांदीपुर में अवस्थित है ह्वीलर आइलैंड, जिसका नाम चेंज कर डॉक्टर अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रखाया है। यहाँ पे मिसाइल टेस्ट होता है। ठीक है बच्चा, और क्या जानेंगे इसके बारे में, पॉइंट टू पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, थोड़ा साफ कर दूंगा डस्टर को, छोटा सा प्यारा सा डस्टर है। ठीक है बच्चा, अब हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड मैंने बताया था आपको, यहाँ पे कुछ माउंटेन में लिख रहा हूँ, जो प्रमुख इम्पोर्टेंट माउंटेन है जो अपकमिंग वन डे एग्जाम के लिए बेहतर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या क्या माउंटेन है देखो, पहला माउंटेन है सैडल पीक।
पहला माउंटेन कौन है? सैडल पीक। दूसरा आ जाता है आपका माउंट देवोली, माउंट देवोली, ठीक है। तीसरा आ जाता है माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो। चौथा आ जाता है माउंट हैरियट, चौथा आ जाता है माउंट हैरियट। और आखिरी पांचवा, पांच आइलैंड है ठीक है बच्चा, चार नहीं पांच आइलैंड, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। देखो मैंने जब अंडमान निकोबार में कैसे बताया था कि पहला आपका आ जाता है नॉर्थ अंडमान, ठीक है, उसके बाद आ जाता है मिडिल अंडमान, उसके बाद आ जाता है साउथ अंडमान, उसके बाद आ जाता है लिटिल अंडमान, यहाँ पे डंकन पास, नेक्स्ट आ जाता है आपका कार निकोबार, उसके बाद आ जाता है लिटिल निकोबार, उसके बाद आ जाता है ग्रेट निकोबार। देखो जो सैडल पीक है वो नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है, ठीक है, अंडमान निकोबार का नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक सिचुएटेड है। माउंट देवली मिडिल अंडमान में सिचुएटेड है, माउंट देवली मिडिल अंडमान में सिचुएटेड है, माउंट कोयोबो साउथ अंडमान में सिचुएटेड है, माउंट कोयोबो साउथ अंडमान में सिचुएटेड है, माउंट हैरियट फिर भी साउथ अंडमान में सिचुएटेड है, ठीक है, और जो माउंट थुलियर है वो ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है, यानी निकोबार के पार्ट में आ जाते हैं, वो जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, मैंने बताया था साथ साथ रिविजन भी हो रहा है। 6 degree 4 minute, 6 degree 4 minute, इंदिरा पॉइंट का तीन नाम और है पिग्मलियन लाहिचंग पार्सेल, मैंने बताया था सब कुछ बताया था, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट आता है, इसको मिटाता हूं, वही अंडमान निकोबार में दो आइलैंड और छिपा हुआ है, उसका नाम है नारकोंडम, उसका नाम है नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, नारकोंडम आइलैंड जो है होता है यहां पे डोरमंट वोल्कन होता है, ठीक है, डोरमंट, डोरमंट वोल्कन, डोरमंट वोल्कन क्या है बता देता हूं, कभी कभी यहां पे ज्वाला निकलता है, अभी नहीं निकल रहा है तो इसको डोरमंट वोल्कन सुसुम ऐसे कहते हैं, मतलब कभी पुराने टाइम में लाभा वगैरह निकलते लेकिन अभी नहीं निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बारेन आइलैंड, नेक्स्ट आता है बारेन आइलैंड, ये एक्टिव वोल्कन है, एक्टिव वोल्कन क्या है, प्रेजेंट टाइम में लाभा अभी निकल रहा है, ठीक है, मतलब कभी भी, मतलब हर रोज निकलता है लावा, ठीक है। तो ये था आज का बेहतरीन बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी, ठीक है बच्चा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, थोड़ा तो प्यार भरा आप दे रहे हैं हम, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम और हमारा कंटेंट को आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। ऐसे ही फीडबैक दे रहना, कमेंट कर देना, और कैसा लग रहा है क्लास वो भी बता देना, कम से कम 50 लाइक तो कर दो, नहीं तो 30 भी कर दो, बहुत मैं खुश हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए, ठीक है बच्चा, थैंक यू बच्चा।